तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा A50 के एंड्रॉयड 10 और वन यू 2.0 के अपडेट के बारे में दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं टेक दोस्त। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सैमसंग ने इसमें टेस्टिंग बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, और इसका जो बिल्ड नंबर था जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो कि 28 फरवरी 2020 को चेंज हुआ था दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने बताया भी था कि सैमसंग का कहना है कि अगर ये बिल्ड नंबर चेंज नहीं होता है तो आपको 10 दिनों के अंदर अपडेट मिल जाएगा दोस्तों, 10 से 15 दिनों के अंदर। तो इसका जो है 35 बार बिल्ड नंबर चेंज भी हुआ है दोस्तों। तो सैमसंग ने एक बार फिर से इसका बिल्ड नंबर चेंज किया दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है इसका लेटेस्ट बिल्ड नंबर दोस्तों। तो सैमसंग इसमें कुछ बग्स आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए सैमसंग के A50s में, A30 में, M20 में, M30 में जितने भी डिवाइसेस हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, जिसमें वन यू आई 2.0 है, एंड्रॉयड 10 है दोस्तों। क्योंकि वन यू आई 2.0 अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज ही नहीं है, इसलिए सैमसंग इसमें टेस्टिंग कर रहा है एंड्रॉयड 10 और वन यू आई 2.0 के साथ। और ऐसे अगर अपडेट दे दे तो आपका डिवाइस में भी बहुत सारा बग्स आ सकता है A50 में। तो इसलिए सैमसंग टेस्ट कर रहा है, और सैमसंग ने 6 तारीख को भी एक टेस्ट किया है इस डिवाइस के साथ, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी दोस्तों, इसलिए सैमसंग नहीं दे रहा है अपडेट। टेस्ट कर रहा है इस पर परफेक्टली तरीके से। आई थिंक ये 36 बार इसका बिल्ड नंबर चेंज हुआ है दोस्तों। तो जो A50s में प्रॉब्लम आ रही है, सैमसंग चाह रही है कि वो प्रॉब्लम A50 में ना आए, इसलिए सैमसंग ने टेस्ट किया है। और आपको मार्च के महीने में ही अपडेट मिल जाएगा दोस्तों, और वो प्रॉपर अपडेट होगा, कोई बग्स नहीं रहेगा, कोई भी लैक नहीं रहेगा दोस्तों। हल्के फुल्के बग्स रहेंगे दोस्तों, लेकिन उतना प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, जैसे में UI ऑप्टिमाइज नहीं है, फिर है हमारा डिवाइस हैंग कर रहा है, बैटरी ड्रेनिंग हो रही है, रैम ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, मैंने A50s में भी दिखाया था वीडियो बनाकर। तो सैमसंग इसमें टेस्ट करके ही आपको हो सकता है कि 15 मार्च 2019 तक इसमें अपडेट आ जाए दोस्तों। हो सकता है कि 99% चांस है कि आप बिल्ड नंबर चेंज ना हो और सैमसंग अब फाइनल अपडेट दे देगा 4 से 6 दिनों के अंदर। 15 मार्च 2019 तक आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में मिल जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं सैमसंग कब रिलीज करता है। तो और भी अगर कोई न्यूज़ आती है या अपडेट आता है आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।